दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए पहली खबर में देखिए, राज्य कर्मचारी चयन आयोग की पहली पाली की परीक्षा हुई रद्द, जाने कब होगी पुनर्परीक्षा। यह देखिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग के 23 दिसंबर शुक्रवार को आयोजित पहली पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आयोग रद्द परीक्षा को अगले 45 दिनों के भीतर आयोजित कराएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार की देर शाम राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। आयोग ने 23 दिसंबर को राज्य के 528 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में तथा 24 को एक पाली में तृतीय स्नातक स्तर की परीक्षा आयोजित की थी। साथ ही आपको बता दें कि 23 दिसंबर की पहली पाली की परीक्षा में आए प्रश्न पत्र वायरल हुए थे। वायरल प्रश्न पत्र का असली प्रश्न पत्र से मिलान किया गया। इस संबंध में ईओई को जांच सौंपी गई। जांच के क्रम में ईओई को कुछ ऐसे प्रमाण पत्र मिले जो परीक्षा की स्वच्छता और पारदर्शिता को दूषित होने की ओर इंगित कर रहा है। वहीं देखिए आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि वह किसी भी परीक्षार्थी या अभ्यर्थी के साथ भेदभाव नहीं होने देगा। साथ ही आयोग ने परीक्षार्थियों से कहा कि वह किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में कोरोना का बड़ा विस्फोट, बोध गया आए 11 विदेशी मिले कोरोना पॉजिटिव। जैसे बड़ी खबर गया से आ रही है जहां बोध गया में दलाई लामा के कार्यक्रम में पहुंचे 11 विदेशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी लोग बीते 24 दिसंबर को विदेश से आने वाली विमान से बोध गया पहुंचे थे। वही देखे रविवार की दोपहर तक सिर्फ 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन शाम होते ये आंकड़ा 11 तक हो गया। वही देखे कोरोना पॉजिटिव पाए गए 11 लोगों में से एक इंग्लैंड और बाकी म्यांमार और थाईलैंड के रहने वाले हैं। वह देखिए थाईलैंड और म्यांमार से आए 11 विदेशी संक्रमितों की ट्रेवल हिस्ट्री ने सरकार की नींद उड़ा दी है। सबसे बड़ी बात यह कि सभी लोग रिपोर्ट आने तक पूरे बोधगया में घूमते रहे और हजारों लोगों के संपर्क में आ चुके हैं। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि विदेश से आए इन 11 संक्रमितों ने कोरोना की बड़ी चेन बना दी होगी। संक्रमितों में से एक बोधगया से लापता हो गया जबकि एक दिल्ली लौट गया है, बाकी लोगों को आइसोलेट किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में सरकार गठन के बाद पहली बार पीएम मोदी के सामने आएंगे तेजस्वी यादव, हो सकता है बड़ा फैसला। जहाँ देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक पखवाड़े के अंदर दूसरी बार भाजपा के दो शीर्ष नेताओं से मुलाकात होने जा रही है। बिहार में जेडीयू का भाजपा के साथ अगस्त महीने में गठबंधन टूटने और नया गठबंधन बनने के बाद यह दूसरा मौका होगा जब तेजस्वी केंद्र के दो बड़े नेता से मिल रहे हैं। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अमित शाह से मुलाकात किया, अब वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से कोलकाता में नमामि गंगे योजना के तहत एक कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में पूर्वी क्षेत्र परिषद के सभी मुख्यमंत्री को शामिल होना है, लेकिन बिहार की तरफ से सीएम नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं होगी। उनकी जगह पर एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए 23 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है। इसमें गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और नदियों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से नमामि गंगे योजना चलाई गई है। बड़ी खबर में देखे, लालू के खिलाफ सीबीआई ने खोला पुराना केस। तेजस्वी यादव बोले, मर्जी के मालिक है, एक बार नहीं 20 बार करे जांच। ज्यादा देखिए बड़ी खबर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। सीबीआई ने लालू के खिलाफ एक पुराना मामला फिर से खोल दिया है। सीबीआई की इस जांच पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। पटना पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सीबीआई ने पहले भी जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला। केस को रीओपन किया गया है। लालू जी और हमारा जीवन खुला किताब जैसा है। हमने तो पहले ही सीबीआई को कहा था कि अगर दफ्तर ही बनाना है तो हमारे घर में बना ले, कर ले फिर से जांच, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले भी सीबीआई ने जांच किया था लेकिन कुछ भी नहीं मिला, तब फिर दोबारा जांच करना चाहती है। जांच करने में क्या दिक्कत है, अब एक ही केस में 10 बार जांच करे 20 बार जांच करे, मर्जी के मालिक है लोग। दरअसल साल 2021 में जिस मामले को बंद कर दिया गया था उसी मामले में सीबीआई ने एक बार फिर से जांच शुरू कर दी है। यह मामला रेलवे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। बड़ी खबर में देखिए, पटना सहित 8 शहरों में न्यूनतम तापमान लुढ़का, मौसम विभाग की भविष्यवाणी, बुधवार से बढ़ेगी ठंड। जी देखिए बड़ी खबर है, मौसमविदों के मुताबिक बुधवार से राज्य भर में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होने से ठंड में काफी बढ़ोतरी होगी। पछुआ हवाओं का प्रभाव बढ़ने से कुछ जगहों पर साल के अंत में
शीतलहर जैसे प्रभाव भी देख सकते हैं। वहीं देखिए कमोबेश ठंड में बढ़ोतरी पूरे राज्य में होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के 7 जिलों में अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है। इनमें औरंगाबाद में 1.2 डिग्री, गया में 0.7 डिग्री, नवादा में 0.7 डिग्री, शेखपुरा में 0.8 डिग्री, बांका में 0.7 डिग्री, अररिया में 0.6 डिग्री और रोहतास में 0.2 डिग्री की कमी आई है। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान छपरा में 27.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बड़ी खबर में देखिए बिहार पुलिस का नाम और लोगों का इस्तेमाल करने वाले संभल जाए, सोशल नेटवर्क से हटाने का दिया गया आदेश, 1 जनवरी के बाद होगी कार्रवाई। जहाँ देखिए जिन लोगों ने भी अपने ट्विटर और फेसबुक समेत तमाम सोशल नेटवर्क अकाउंट के प्रोफाइल में बिहार पुलिस या बिहार पुलिस के लोगों का इस्तेमाल कर रखा है वो इसे जल्द से जल्द हटा ले, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप गलत तरीके से कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को 1 जनवरी तक की मोहलत बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से दी गई है। अगर उसके बाद भी प्रोफाइल बिहार पुलिस के नाम या लोगों का इस्तेमाल जारी हो रहा है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने सोमवार को इस मामले में पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है, क्योंकि डेडलाइन खत्म होने के बाद पुलिस ऐसे लोगों को बख्शने वाले नहीं है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे सारे अकाउंट्स को बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। एडीजी मुख्यालय के अनुसार सोशल मीडिया नेटवर्क के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने बिहार पुलिस और उनके लोगों का इस्तेमाल कर अकाउंट बना लिया है, जिस कारण पब्लिक में भ्रम की स्थिति बन गई है, जबकि बिहार पुलिस का अपना वेरिफाइड अकाउंट है और अधिकृत भी है। बड़ी खबर में देखिए पटना में 22 जनवरी को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस का होगा आयोजन, सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। जहां देखिए आगामी 22 जनवरी को राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह होंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद विशिष्ट नारायण सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री अशोक कुमार चौधरी, मंत्री संजय झा, मंत्री लेसी सिंह और मंत्री सुमित कुमार सिंह शामिल होंगे। बड़ी खबर में देखिए बिहार के सरकारी स्कूलों में 60 दिनों की होगी छुट्टियां, शिक्षा विभाग ने जारी किया वार्षिक कैलेंडर। जहां देखिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों के लिए अवकाश तालिका जारी कर दिया गया है। इस अवकाश तालिका में सभी प्रारंभिक विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों की छुट्टियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। इससे सभी कोटे के सरकारी विद्यालयों में एक साथ अवकाश देना संभव हो सकेगा। आपको बता दें कि नए वर्ष में भी जिले के सरकारी विद्यालयों में पर्व त्योहार तथा अन्य अवसरों को लेकर कुल 60 दिनों की छुट्टियां ही होगी। एक तरफ जहां वर्ष 2023 में 8 पर्व त्योहारों की छुट्टियां रविवार को पड़ने के कारण अलग से छुट्टी नहीं दी गई, वहीं महापुरुषों की जयंती के अवसर पर भी विद्यालय खुले रहेंगे। बड़ी खबर में देखिए बिहार में शुरू हो रहा ठंड का नया दौर, पश्चिमी विक्षोभ से शीतलहर चलने की आशंका। जहाँ देखिए बिहार में अब तक ठंड का मिला जुला असर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ठंड का नया दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आज से ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों पर बर्फ गिरने और बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। वही इसकी वजह से कोल्ड वेव और कुहासे पर भी असर हो सकता है। वही 30 से 31 दिसंबर तक ठंडी हवाएं चल सकती है, इसकी वजह से शीतलहर चलने की भी संभावना है। इसकी वजह से तापमान में गिरावट होने की आशंका है। वही देखिए फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तरी की हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंचने लगेगी, इससे तापमान में गिरावट होगी। बदले मौसम के मिजाज को देखते हुए बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी असावधानी से लेने के लिए देने पड़ सकते हैं। इस मौसम में खान पान पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और विशेषकर शाम और सुबह के वक्त कान ढक कर रखने, जूते पहनने, गर्म पानी पीने व गर्म दूध पीने की सलाह चिकित्सकों ने दी है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में अब ट्विटर, व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए भी बिहार पुलिस से कर सकेंगे शिकायत, योजना पर चल रहा है काम। जब देखिए नए साल में आम लोग बिहार पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया हैंडल यानी ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप से जोड़कर अपनी शिकायत कर सकेंगे। इनके माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान भी होगा। इन सोशल मीडिया हैंडल को यूजर फ्रेंडली बनाने और इनके माध्यम से मिलने वाली शिकायतों के तत्काल निपटारे को लेकर पुलिस मुख्यालय मैकेनिज्म डेवलप करने में जुटी है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में इंटर और मैट्रिक परीक्षा पर ऑनलाइन रहेगी नजर, हर केंद्र से ली जाएगी रिपोर्ट। जहाँ देखिए इंटर और मैट्रिक परीक्षा के दौरान कितने छात्र उपस्थित हुए, कितने अनुपस्थित और कितनों को नकल करते पकड़ा गया, इन सब पर सीधे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की नजर रहेगी। इन गतिविधियों पर ऑनलाइन नजर रखने की व्यवस्था इस बार इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में की जा रही है। सुबह के सभी परीक्षा केंद्रों से हर दिन की रिपोर्ट भी आएगी। इसके लिए बिहार बोर्ड सभी परीक्षा केंद्रों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने जा रहा है। व्यवस्था सुचारू रूप से
चले इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर शिक्षकों की टीम रहेगी जो हर पाले की रिपोर्ट बोर्ड को भेजेगी। आपको बता दें कि इस बार इंटर में कुल 13,18,439 परीक्षार्थी भाग लेंगे, वही मैट्रिक में कुल 16,44,565 विद्यार्थी भाग लेंगे। वही इंटर के लिए कुल 1,464 केंद्र बनाए गए हैं, वही मैट्रिक के लिए कुल 1,500 केंद्र बनाए जाएंगे। बड़ी खबर में देखिये, पटना समेत राज्य के 68 नगर निकायों के लिए मतदान कल। यह देखिए, नगर निकाय आम चुनाव 2022 के दूसरे व अंतिम चरण में 68 नगर निकाय में सोमवार की शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। मतदान 28 दिसंबर को होगा। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सभी बूथों पर सशस्त्र बलों की तैनाती की जाएगी। इस चरण में राज्य के 23 जिलों के 68 नगर निकायों में पूर्वाहन 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक, जबकि गया के डोबी फतेहपुर नगर पंचायत में अपराह्न 3 बजे तक मतदान निर्धारित है। मतगणना 23 को होगी। बड़ी खबर में देखिए, सातवें चरण के शिक्षक नियोजन में बड़ा बदलाव की तैयारी, अब नहीं होगी कोई लिखित परीक्षा और इंटरव्यू। जी हां देखिए, बिहार में सातवें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर अब नई नियमावली बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने अब यह निर्णय लिया है कि विभिन्न वर्गों के 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर इस बार पंचायती राज संस्थान बहाली नहीं करेगी, बल्कि इसको लेकर जिला स्तर पर केंद्रीकृत इकाई गठित की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार यह केंद्रीकृत इकाई शिक्षक पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की न केवल जिला स्तर पर काउंसलिंग करेगी, बल्कि उन्हें नियुक्ति पत्र भी बांटेगी। इसके साथ यह पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड और नगर निकाय के दायरे में आने वाले सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय से ही बांटी जाएंगे। इसके अलावा सातवें चरण में शिक्षक के चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, साक्षात्कार भी नहीं होगी। हालांकि चयन करने वाली एजेंसी के 3 विकल्प सुझाए गए हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग में से किसी एक एजेंसी का चयन किया जाना है। सातवें चरण में शिक्षक कैटेगरी वही रखी जाएगी। देखिए, बिहार में 45 से ज्यादा रूटों पर चलेगी नई बसें, जनवरी से शुरू होगा परिचालन, लोगों को होगी सुविधा। जहाँ देखिए, बिहार में लोगों को बेहतर परिवहन सेवा देने के लिए राज्य के विभिन्न जिले से अप और डाउन दोनों के लिए 45 से अधिक रूटों पर नई बस चलाई जाएगी। इन बसों का परिचालन जनवरी से शुरू होगा। इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से आवेदन मांगा भी गया है। इस सेवा को निजी सहयोग से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ऐसे अंतर क्षेत्रीय मार्गों का भी चयन कर लिया गया जहाँ से बसों का परिचालन होना है। इन नए बसों के परिचालन से लोगों को एक से दूसरे जिला आना जाना और अब भी सुविधाजनक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।